टू एवरी वन, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थर्ड टाइप्स प्रॉब्लम पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक सिलेबस, मतलब सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी हम लोगों को बात करनी थी और डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी बात करनी है। तो इससे जो हम दो टाइप्स के प्रॉब्लम को पहले बात कर चुके हैं वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात कर चुके हैं, आज जो हम लोग बात करेंगे वो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बीम है और सारे बीम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। क्लियर? तो चलिए उस पे हम लोग बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट्स एट ए बी सी एंड डी फॉर द कंटिन्यूस बीम। सपोर्ट देखिए, ए बी सी एंड डी जो आपको फिगर में दिख रहा है, बीम शोन इन फिगर, ये जो फिगर है वो प्रॉब्लम में ही गिवन है। ऑल्सो ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन कि हमको पहले फाइंड आउट क्या करना है, सपोर्ट मोमेंट्स फाइंड आउट करना है ए बी सी एंड डी पे, उसके बाद ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मूमेंट्स, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा एम ए बी बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट लोड लग रहा है वो सेंटर पे नहीं है, सेंटर के अलावा है। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, माइनस पी ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए है और ये जो टू है ये बी है। क्लियर? तो यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, माइनस पी कितना है 8 है, इंटू ए कितना है 1, बी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, ये एल 1 इसको मान लीजिए, ये हमारा एल 2 हो जाएगा और ये एल 3। ठीक है, तो ये एल 1 कितना आ गया 3 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 है तो 4 इंटू 8 32 डिवाइडेड बाय 9 माइनस में। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारा माइनस 3.56 किलो न्यूटन मीटर, माइनस 3.56 किलो न्यूटन मीटर। और एम बी ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में ही बी पी ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। पी कितना है 8, 1 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 16/9। ये इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है प्लस 1.78 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब हम बी सी स्पैन के लिए चलते हैं। तो एम बी सी बार इज इक्वल टू, पूरे यूडीएल लग रहा है तो यूडीएल के लिए क्या होता है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो माइनस डब्ल्यू कितना गिव है ना 5, और इसके लिए एल, इस स्पेन के लिए एल कितना है 4 का स्क्वायर बाय 12। इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस 20/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा माइनस 6.67 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट को कभी भी भूलना नहीं, अगर यूनिट आप मिस कर रहे हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अब एम सी बी बार इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू कितना 5 है इंटू 4 का स्क्वायर और बाय 12। ये भी सॉल्व करने के बाद प्लस में आ जाएगा सेमी मैग्नीट्यूड 6.67 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा स्पिन ए बी और बी सी के लिए फिक्स्ड इन मोमेंट कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ एम सी डी बार क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड सेंटर पर लग रहा है तो इसके लिए माइनस पी एल बाई 8, माइनस पी कितना है 4, इस बीम के लिए एल कितना है ये भी 4 और डिवाइडेड बाई 8, कैंसिल कीजिए तो यहाँ बचेगा माइनस 2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और एम डी सी बार इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस पी एल बाई 8, पी कितना है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, इसको भी सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 2 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? तो हमारा इस तरह से फिक्स्ड इन मोमेंट कैलकुलेट हो चुका है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसे नोट, मतलब यहाँ पे
नोट करके रख लेते हैं हम, ये हमारा 3.56 आया था एम ए बी बार, एम बी ए आ रहा है 1.78, फिर एम बी सी बार कितना आ रहा है -6.67 और ये +6.67 -2 +2। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि पिछले दो प्रॉब्लम में भी हम उसी तरह से कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करना, क्योंकि यहीं पे जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पे हमको देखना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या टेबल बनाते हैं, ज्वाइंट का, ज्वाइंट मेंबर्स स्टिफनेस जिसको के से डिनोट करते हैं, और टोटल स्टिफनेस समेशन ऑफ के, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये क्या हो जाता है के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के। अब आप देख लीजिए जॉइंट की, पहले बी के लिए चलते हैं, बी जॉइंट पे कितना मेंबर है, बी ए एंड बी सी, ठीक है। सी जॉइंट भी देख लेते हैं, सी जॉइंट पे मेंबर सी बी एंड सी डी, दो ही मेंबर है ना सी पे भी, सी बी एंड सी डी। स्टिफनेस में बी ए के लिए ये हमारा फार एंड क्या फिक्स है, तो यहाँ पे जो स्टिफनेस होगा जब हमारा फार एंड फिक्स है उस केस में कितना होता है, अगर हम इसको मान लें के वन, तो ये हो जाएगा 4EI1/L1। ये जो आई दिया गिवन है प्रॉब्लम में देख लीजिए डिफरेंट, ए बी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5I है, बी सी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, और सी डी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो इस I को इस I1 मान लें, इस बीम बी सी के लिए I2 मान लें, और बीम सी डी के लिए I3 एज्यूम कर लें, क्लियर। चलिए तो ये मैं I1 और L1 लिख दिया हूँ, L1 आपको पता है, L1 L2 L3 यहाँ पुट कीजिए, 4E I1 कितना है 1.5I पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय L1 3, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 2EI बच रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। K2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ भी देखिए रिजिड जॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड एंड की तरफ बिहेव करता है, यानी हमारा फार एंड बी सी के लिए सी जो है वो बिहेव कर रहा है फिक्स्ड एंड की तरह। तो क्या लिखेंगे, 4EI2/L2 हो जाएगा स्टिफनेस, 4EI2 यहाँ पे कितना है, I2 2EI गिवन है, तो 2I दिखा दें, डिवाइडेड बाय L2 कितना है 4 है, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये 2EI बच रहा है, क्लियर। अब सी बी के लिए चलते हैं, तो सी बी के लिए भी वही सेम आएगा, बट हम इसको K3 मान लें, ये K3 हो जाएगा 4EI2/L2, यही सेम होगा, 4EI2 कितना है 2I डिवाइडेड बाय 4, L2 तो 4 ही है ना, 4 कैंसिल, इस पर हम लाइनिंग दिखा देते हैं, ये एक जॉइंट के लिए, क्लियर। ये हो जाएगा हमारा, ये बच के 2EI बचेगा। अब जब CD के लिए चलेंगे तो इसको मान लें K4, ये भी फिक्स्ड इन डी है डी पॉइंट हमारा, तो 4EI3 डिवाइडेड बाय L3, 4E यहाँ पे I कितना है, I ही है, तो I3 ही है, और L3 4 है, 4 कैंसिल, तो ये हमारा बच जाएगा EI। अब टोटल स्टिफनेस जॉइंट B के लिए समेशन ऑफ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 + K2, K1 कितना है, K1 2EI है और K2 भी 2EI है, तो 2EI + 2EI इज इक्वल टू 4EI। टोटल स्टिफनेस निकल चुका है जॉइंट B के लिए, जॉइंट C के लिए जब निकालेंगे टोटल स्टिफनेस, तो समेशन ऑफ K इज इक्वल टू K3 + K4, K3 कितना है 2EI है और K4 + EI है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 3EI हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लें हम, DF1
तो के वन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ के, के वन कितना है, के वन देख लीजिए टू ई आई है, टू ई आई और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ के फोर ई आई। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हाफ बचेगा, उसी तरह से डी एफ टू जब निकालेंगे तो ये भी के टू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ के होगा, और यहाँ पे भी टू ई आई डिवाइडेड बाई फोर ई आई हो जाएगा। ई आई कैंसिल, टू से फोर कैंसिल टू टाइम्स में, तो वन बाई टू। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए मेम्बर के लिए और बी सी मेम्बर के लिए, दोनों के लिए हमारा कैलकुलेट हो चुका है, डी एफ वन डी एफ टू वन बाई टू वन बाई टू। अब हम लोग सी बी और सी डी के लिए निकाल लें, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं डी एफ थ्री, तो ये के थ्री डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ के, और के थ्री कितना है, के थ्री टू ई आई है, और इस ज्वाइंट के लिए समेशन ऑफ के थ्री ई आई है, ई आई कैंसिल, तो ये बच रहा है हमारा टू बाई थ्री। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर सी डी, डी एफ फोर इज इक्वल टू के फोर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ के, के फोर कितना है, के फोर कैलकुलेट होकर के आया है हमारा ई आई डिवाइडेड बाई थ्री ई आई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वन बाई थ्री आ रहा है, क्लियर। चलिए, इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी कैलकुलेट हो चुका है, और मेन जो खेल है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में ही है जो हमारा, सॉरी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में ही है मोमेंट ऑफ इनर्सिया का खेल। तो ध्यान रखना है जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करें, और जब हमारा डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया प्रॉब्लम में गिवेन हो, तो इसी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को, क्लियर। चलिए, अब आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वन बाई टू वन बाई टू, और टू बाई थ्री वन बाई थ्री, टू बाई थ्री वन बाई थ्री। चलिए, अब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में है कैलकुलेट फाइनल मोमेंट्स। इसी प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट लोडिंग। देखिए, ये हमारा हो जाएगा जॉइंट, ये जॉइंट क्या है, इस जॉइंट का नाम बी है, और इस जॉइंट का नाम, इस जॉइंट का नाम सी है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया था, वन बाई टू वन बाई टू, और इस जॉइंट के लिए टू बाई थ्री वन बाई थ्री। इस पॉइंट जॉइंट का नाम ए बी सी और ए डी। चलिए, अब फिक्स्ड इन मोमेंट, मतलब एम ए बी बार कितना आया था, वो माइनस 3.56, और एम बी सी बार, सॉरी एम बी ए कितना आया था, प्लस में 1.78, फिर एम बी सी बार ये आया था माइनस में 6.67, और एम सी बी बार ये प्लस में 6.67। एम सी डी बार ये हमारा माइनस 2 आया था, और एम डी सी बार प्लस 2। तो ये क्या है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स है। अब क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए कि हमारा क्या है 1.78, अब माइनस 6.67, जब इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा माइनस में रिजल्ट आएगा। माइनस कितना आ रहा है, तो माइनस आ रहा है ये, आप देख लीजिए 6.67 और 1.78, माइनस कर लीजिए, तो
4.89 माइनस में आ रहा है ये 4.89, क्लियर। तो अब ये हमारा माइनस में 4.89 आ रहा है इस दोनों को ऐड करने के बाद, तो बैलेंस कर किससे करेंगे जो कि जीरो आ जाए, तो सेम मैग्नीट्यूड से बट अपोजिट साइन, तो प्लस 4.89 हो जाएगा, उससे ऐड कर देंगे और इसको अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ हमारा आ रहा है प्लस में आ रहा है 2.445, ये भी आ जाएगा 2.445, क्योंकि हाफ हाफ है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो 4.89 का हाफ कितना होगा 2.445, क्लियर। चलिए उसी तरह से जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस जॉइंट के लिए तो 6.67 माइनस 2 तो बचेगा कितना 4.67, और जब इसको हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस में आएगा -3.11, ऐड करने के बाद प्लस में आ रहा है लेकिन हमको बैलेंस करना है जीरो के बराबर, जीरो के इक्वल, तो कितना से हम ऐड करेंगे तो -4.67 से। अब 4.67 को -4.67 को एक बार 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1/3 से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1.56, इतना ही आ रहा है, क्लियर। ये कौन सा मोमेंट हो गया, ये हमारा बैलेंसिंग मोमेंट हो गया। बैलेंसिंग में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हम इससे भी पहले दो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब इसका क्या होगा, कैरी ओवर मोमेंट, तो इसका कैरी ओवर मोमेंट इधर हो जाएगा, इसका कैरी ओवर इधर हो जाएगा, इसका कैरी ओवर इधर हो जाएगा और इसका कैरी ओवर इधर हो जाएगा, तो सबका कैरी ओवर कितना होगा, इसका हो जाएगा हमारा 1.22, क्लियर, क्योंकि 1.22 टू समथिंग आएगा तो हम लोग टू ही डिजिट तक ले रहे हैं, यहाँ पे इसलिए लिए क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था तो थ्री डिजिट तक ले लिए थे। तो इस तरह का केस अगर आ रहा है, मतलब टू डिजिट के बाद अगर फाइव आ रहा है तो फाइव आप ले सकते हैं, मतलब इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्लियर। चलिए अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इधर वही हो जाएगा हमारा 1.22, और -3.11 का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा, -1.56, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर -0.78 कैरी ओवर मोमेंट, तो कैरी ओवर मोमेंट हमारा आ चुका है, कैरी ओवर मोमेंट्स। चलिए अब क्या करेंगे, अब फिर इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस देख लीजिए, ये कितना है मेरा -1.56, अब इसको कितना से ऐड करेंगे, ये जीरो होगा तो +1.56, अब +1.56 को अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हाफ हाफ कर देते हैं, तो 1.56 का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ कितना होगा, प्लस में 0.78, ये भी 0.78, क्लियर। अब इसका 1.22 है तो इसको -1.22 से ऐड करेंगे तो जीरो होगा, और -1.22 × 2/3 यहाँ लिखेंगे, अब -1.22 × 1/3 यहाँ लिखेंगे तो कितना आ रहा है, एक आ रहा है हमारा -0.81 और एक आ रहा है -0.41, इस दोनों को ऐड कीजिए, देखिए -1.22 आ जाएगा, क्लियर। चलिए ये हमारा बैलेंस हो चुका है, ये क्या है, ये बैलेंसिंग मोमेंट है, बैलेंसिंग मोमेंट्स, ठीक है। अब फिर कैरी ओवर हो जाएगा, तो इसका कैरी ओवर इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इसका कैरी ओवर ये इधर आएगा, तो इसका कितना होगा, 0.78 का कैरी ओवर, 0.39, ये भी 0.39 हो जाएगा, और इसका 0.81 का कैरी ओवर फैक्टर ये आ जाएगा -0.405, क्लियर। और इसका आ जाएगा हमारा -0.205, ये क्या है, तो ये हमारा कैरी ओवर मोमेंट है, कैरी ओवर मोमेंट्स।
चलिए अब फिर बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करेंगे 0.405 को, तो प्लस 0.405 से ऐड करेंगे, फिर हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ करने के बाद कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 0.20 और ये 0.20। इसको भी देख लीजिए, इसका भी वही बैलेंस होगा 0.39 है, तो इसको माइनस 0.39 से ऐड करेंगे और फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 0.26 और ये आ जाएगा माइनस 0.13। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बैलेंसिंग मोमेंट हो गया। बस आपको ये याद रखना है, 3 से 4 स्टेप तक आपको करना है क्या सॉल्व, उसके बाद फाइनली ऐड कर देना, वही हमारा फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट हो जाएगा। कितना स्टेप तक हम लोग जा चुके हैं, 1, 2, 3, एक स्टेप और करना है लास्ट। 5 भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर गलत होने नहीं जा रहा। 4 में भी छोड़ रहे हैं तो आपका आंसर मतलब तो आपका कहीं भी मार्क्स कटने नहीं जा रहा है। क्लियर, चलिए अब फिर इसका हम लोग कैरी ओवर कर देंगे, तो इसका कैरी ओवर क्या हो जाएगा 0.10, इसका कैरी ओवर 0.10, इसका कैरी ओवर माइनस 0.13 और इसका कैरी ओवर हो जाएगा हमारा माइनस 0.0065, इतना ही होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, ये कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट्स। चलिए अब आगे इसको फिर बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो प्लस 0.13, इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 0.065, ये भी 0.065 और इसको माइनस 0.1 से ऐड करेंगे तो 0 होगा, फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.1 को और एक बार माइनस 0.1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जा रहा है, ये माइनस 0.07 आ रहा है और ये माइनस 0.03 आ रहा है। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा, ये बैलेंसिंग मोमेंट हो गया। बस यही स्टेप सेम इस काम करते रहना है, 4th स्टेप तक या 5 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको फाइनली ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद ये आ रहा है माइनस 1.85 और ये हमारा आ रहा है 5.27। ये जो आ रहा है इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 5.275 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि मैं बता चुका हूँ पिछले भी वीडियो में कि मतलब 0.05 या 0.05 का इधर आ रहा हो तो वो नेग्लेजिबल है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5.275 आ रहा है, जो कि हम लोग नेग्लेजिबल है, इसको हम लोग 5.27 क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर, जब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा 4.13 आ रहा है और ये माइनस में 4.13 और ये हमारा आ रहा है 0.95 प्लस में। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट हो चुका है, फाइनल मोमेंट्स, बस यही सॉल्व करना था, मतलब जो हमको फाइंड डिटरमाइन करने के लिए कहा गया, डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट्स एट ए बी सी एंड डी, तो हम लोगों ने सपोर्ट मोमेंट्स कैलकुलेट कर चुका है एट ए, एट बी, एट सी एंड एट डी। अब क्या करना है कि ऑल्सो ड्रॉ बी एम डायग्राम, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको ड्रॉ करने के लिए हम चलते हैं फिर सॉल्व करते हैं। बस यही प्रोसेस है, हमेशा याद रखना है कि 4 स्टेप तक 3 स्टेप तक भी जब हमारा जॉइंट 2 हो, मतलब मोर देन 1 हो, उस केस में हम 3 स्टेप 4 स्टेप या 5 स्टेप तक जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्या करें, ड्रॉ बी एम डी किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम हर स्पेन को क्या मान के चलेंगे, सिंपली सपोर्टेड, और इसको इंडिविजुअली उसका बी एम डी ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले चलते हैं 4 बीम AB, इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, मतलब इसका पहले हम लोग फिगर बना लें, ये हमारा RA और ये RB, इस पे पॉइंट लोड लग रहा है 8 kN का और ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और ये 2 मीटर, टोटल हो गया 3 मीटर।
यहाँ से हम लोग रिएक्शन निकाल लें, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, तो ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम आप ई दे दीजिए और इसका सेंटर दे दीजिए एफ और इस पॉइंट का नाम जी दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ई हो गया। पहले आर ए निकाल लें, आर ए निकालने के लिए समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आर ए इंटू थ्री माइनस एट इंटू टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमारा आर ए आ जाएगा 8 इंटू टू 16 बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 5.33 किलो न्यूटन मीटर। आर ए निकल चुका है, बस इसी की ज़रूरत है 5.33। अब मोमेंट एट ई निकालना है, तो मोमेंट एट ई कितना हो जाएगा, ये आर ए इंटू वन यही होगा ना, तो आर ए कितना है 5.33 इंटू वन, ई पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा हमारा 5.33, ये किलो न्यूटन है ओनली, क्योंकि रिएक्शन है और ये मोमेंट में एम से मल्टीप्लाई होगा। चलिए एम ही निकल चुका है इस केस के लिए, तो इसका हम लोग क्या करें, तो इसका हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऊपर कर रहा हूँ ड्रॉ, ये रिजल्ट कितना आया था, ये आया था हमारा यहाँ 5.33 किलो न्यूटन मीटर। चलिए ये बीएमडी ड्रा हो चुका है, बीएमडी 4AB। अब चलेंगे हम लोग किसके लिए, अब चलेंगे बीसी के लिए, तो बीसी तो ये यूडीएल है, इसका सीधा हो जाएगा, ये हमारा आर बी है और ये आर सी है, और इस पर यूडीएल कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा इसका, इसका सेंटर क्या है एफ पॉइंट पे, तो एम एफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, यही होता है। W कितना है 5 और इसका लेंथ कितना है इस बीम का 4 मीटर, तो L 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 4 से मतलब 10 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर बीम BC। तो इस स्पैन के लिए भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेंटर यहाँ है, चलिए ये रिजल्ट कितना है, ये हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब चलेंगे हम CB के लिए, स्पैन 4 स्पैन CD के लिए जब चलेंगे तो इस पे भी ये क्वेश्चन, ये केस भी हमारा सिमेट्री है, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, ये RC और ये RD, ये पूरा 2 मीटर पे और 2 मीटर पे लग रहा है, तो पूरा लेंथ कितना हो गया 4 मीटर, ये पॉइंट C, ये D, तो इस केस में भी हमारा RC कितना हो जाएगा, क्योंकि जो लोड है उसका हाफ हो जाएगा, सिमेट्री है तो 2 किलो न्यूटन और RD भी 2 किलो न्यूटन, तो मोमेंट एट ये पॉइंट का नाम जी है, तो मोमेंट एट जी कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप, आरसी इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर ही है जी पॉइंट तक, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ, BMD ये डिस्टेंस कितना है, ये बेंडिंग मोमेंट कितना 4 किलो न्यूटन मीटर, ये BMD किसके लिए हुआ, BMD फॉर CD, और ये किसके लिए था, BMD फॉर BC, क्लियर। तीनों स्पेन का इंडिविजुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुका है, अब हम लोग फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यह दिखाते हैं आपको, चलिए आइए,
ये ड्रॉ कर रहे हैं। रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल ए बी के लिए ये है, इसको प्रोजेक्ट कर लें। तो ये दिखा दें हम, ये लाइनिंग पहले शो कर देते हैं, सॉरी, और ये भी लाइनिंग, इसका भी सेंटर चलिए दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा बी एम डी, ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये बेंडिंग मोमेंट कितना है, 5.33 किलो न्यूटन मीटर। अब BC के लिए ये वाला फिगर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, यानी इसका डबल है। तो आप इसका सेंटर मान लें हम यहाँ, बन चुका है। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो ये है 10 किलो न्यूटन मीटर। अब CD के लिए ये है, तो ये 4 है, इससे भी नीचे है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड कितना है, ये है 4 किलो न्यूटन मीटर। चलिए अब जो हमारा फाइनल मोमेंट्स आया था सपोर्ट पे, उसको शो कर देते हैं। सपोर्ट ए पे कितना आ रहा, -1.85। साइन कन्वेंशन आपको पता है कि माइनस अगर लेफ्ट सपोर्ट पे तो ऊपर लेंगे, तो 1.85। तो 1.85 को मैं दिखा दूँ यहाँ, ये हमारा 1.85 है, क्लियर। सपोर्ट बी पे ए बी स्पैन के लिए कितना है, प्लस में, तो ये भी ऊपर जाएगा। ये कितना आ रहा है, 5.27, मतलब 5.33 से हल्का नीचे, तो हल्का दिखा दीजिए नीचे, ये है 5.27 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बीसी के लिए जब चल रहे, तो बी पे भी माइनस में ही आ रहा है, ये माइनस में रिजल्ट है, -5.27, और ये प्लस में, ये माइनस में, ये सॉल्व करने के बाद -5.27 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस में तो लेफ्ट सपोर्ट पे क्या हो जाएगा, वही सेम इसी पॉइंट पे लाई करेगा। फिर सी पॉइंट के लिए 4.13 प्लस में है, तो आप दिखा दीजिए इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 4.13। फिर अब जब हम सी डी के लिए चलेंगे, तो ये भी माइनस में, तो इसी पॉइंट पे लाई करेगा, सेम मैग्नीट्यूड है। और डी पॉइंट पे क्या है, 0.95 मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 0.95 किलो न्यूटन मीटर। अब सारे पॉइंट को मिला दें, ठीक है। इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हैचिंग कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये हमारा हल्का सा दिख रहा है, ये नेगेटिव आएगा, ये भी हैचिंग कर दीजिए। तो इस तरह से फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमारा डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं।